हेलो नमस्कार दोस्तों, शिल्पी किचन की ओर से आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो आपने साबूदाने की कई सारी रेसिपीज जैसे साबूदाने का वड़ा, साबूदाने की थाली पीठ, साबूदाने की खिचड़ी खाई होगी, पर मैं आज आपके लिए एक अलग तरह के साबूदाने की रेसिपी, साबूदाने का चाट लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाने में उतने ही ज़्यादा आसान होता है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार खाना चाहेंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप साबूदाने को 3 से 4 घंटा पानी में भिगो लिया था और उसके बाद उसको छन्नी से छान के उसका सारा पानी निकाल लिया था। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम एक उबला हुआ आलू ले लेंगे और अब इस आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए हमारा आलू जो है ग्रेट हो गया है और अब इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया डाल लेंगे। अब इसमें मैंने यहाँ पे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है। आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच घिसा हुआ अदरक डाल दूंगी। ये डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। अब इसके साथ हम 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक डाल लेंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। मैं नहीं खाती तो मैंने नहीं डाला। ये देखिए हमारा जो है डो रेडी हो गया है और ये डो एकदम इस तरह से टाइट बनना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है टिक्की फ्राई करने के लिए रख दी हैं और आपको टिक्की एकदम पतली पतली फ्राई करनी है, बिल्कुल मोटा नहीं फ्राई करना। अगर आप मोटा बनाएंगे तो वो फिर बड़ा बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे कुरकुरी इसकी टिक्की बनानी है तो इसलिए हमें इसे एकदम पतले पतले बनाने होंगे और इसे गोल्डन ब्राउन करने तक हमें दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। और ये देखिए हमारी कुरकुरी सी क्रिस्पी टिक्की जो है रेडी हो गई है। इसको आपको धीमे आँच पर ही पकाना है और एक टिक्की बनने में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय लगता है। अब इसे हम इसके ऊपर अब हम फेंटी हुई जो दही है वो डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम हरी चटनी डाल देंगे। अगर आप मीठी चटनी फास्ट में खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब इसके देखिए हमारी जो है कुरकुरी साबूदाने की चाट जो है वो रेडी हो गई है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।